संसद में पास हुए कानून क्या कभी वापस लिए गए हैं? मीनाक्षी जी देखिए, यही तर्क तो आप याद कीजिए, जब प्रचंड बहुमत से जीतकर मोदी सरकार आई थी तो भूमि के उचित मुआवजा कानून पर एक के बाद एक तीन अध्यादेश लेकर आई और ये कहा गया कि ये कानून बन गया वापिस नहीं लिए जा सकते। किसानों ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था मोदी सरकार को उस समय भी। आज भी हम संकल्प लेते हैं कि किसानों के हक में ये कानूनों को मोदी सरकार को वापिस लेना ही पड़ेगा। मुझे बताइए कि क्या असीमित मात्रा में संग्रहित करने की अनुमति पूंजीपतियों को सरकार ने दी है, उसके दुष्परिणाम जानती हैं? अभी सरकार ने क्या किया है, जब मक्का 1850 रुपए का 700 रुपए पर आ गया तब इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 15% घटा दी मोदी सरकार ने और 5,00,000 मेट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगा के प्राइजेस क्रेश कर लिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने यह आरोप मोदी सरकार पर लगाया कि दाल जब किसान उतारता है बाजार में उस समय मोदी सरकार दाल सस्ते दामों में बाजार में उतार देती जो खरीदी करके रखती है, उससे प्राइसेस क्रैश होते हैं। और यही मॉडस ऑपरेंडी है इन पूंजीपतियों की कि किसानों के दाम गिरा देना, फसलों को संग्रहित करना, फिर बाजार में उतार देना। 2,30,000 करोड़ रुपए का घोटाला दाल के दाम 230 रुपए में करके इस सरकार में हुआ है। तो हमारी यही मंशा है, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं एक तो संशोधन। आप लोग दूर दूर से ही देखेंगे ये सब कुछ, या आपके बड़े नेता भी मैदान में किसानों के साथ ठंड के इस मौसम में सड़क पर उतरेंगे? मीनाक्षी जी देखिए, ये बात गलत है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगे हुई सीमा पर किसान बैठे हैं जिनको पुलिस ने रोक रखा है। उत्तर प्रदेश के किसान आज आ रहे हैं, देश भर के किसान आंदोलित हैं। हम नहीं चाहते सरकार जो कह रही राजनीति से प्रेरित है। गुरु प्रकाश जी इस बात का जवाब दीजिए, वो तो ये कह रहे हैं कि हम सरकार से लोहा लेंगे, सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा, विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन किसान भी अगर सड़क पर खड़ा है, देश का अन्नदाता, तो बात तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। इस हाल पर तो दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और जो विपक्ष आज जनाधार विहीन, नेतृत्व विहीन, कल्पना विहीन, मुद्दा विहीन हो गया है, अगर वो इसमें मुद्दे की तलाश कर रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसान अपनी मर्जी का मालिक हो तो इसे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसान अपने उत्पाद सीधे बेच सके, इससे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसानों को कानून पास हुए ना संसद में, जिस तरह से सरकार ने कानून ये संसद में पास कराया, उसने किसानों को आशंकाओं से भर दिया। आपने चर्चा का समय नहीं दिया पार्टियों को, तो ये एक आशंका किसान के मन में दिखाई देती है। अब अगर उनकी जो मुख्य तौर पर 5 मांगे, अगर वो कह रहे हैं कि आप MSP को लेकर लिखित में दीजिए, तो क्या सरकार लिखित में देगी? देखिए निश्चित रूप से, देखिए आप मुझे भी थोड़ा समय दीजिए, अभय जी को हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक सुना था, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। क्या 10,000 किसान 14.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सरासर नहीं। पंजाब के साथ हिस्टोरिकली आप देखिए उनको लाभ पहुंचाया गया है, जो राइस बेल्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आखिरकार कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में राइस का प्रोक्योरमेंट यहां से क्यों नहीं होता था?